लगातार हम आपको कल से ही बता रहे हैं जब कुढ़नी का रिजल्ट आया उसके बाद से ये सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी और महागठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं इसका सवाल का जवाब आपको राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मिलना शुरू हो चुका है इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाकी के दलों ने भी नीतीश कुमार की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कुढ़नी में चुनाव हारने के साथ साथ अब नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ने लगा है और ख़ास करके उन पर दबाव मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर बन रहा है आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल से अब खुले तौर पे मांग कर दिया गया है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर खुद उनके मार्गदर्शक के रूप में सामने आए आपको बता दें कि कुढ़नी में सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद काफ़ी आघात हुआ है खास करके राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस सहित अन्य दलों को जीतन राम मांझी ने भी इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए हैं देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के कुढ़नी का हार कहा जा रहा है कि हुई है इन सारी बातों पर अब समीक्षा होने लगी है और समीक्षा के साथ साथ जो वहाँ के पूर्व विधायक थे अनिल सहनी उन्होंने तो मोर्चा खोल दिया है उनका सीधे तौर पर मांगना है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जबरदस्ती हमारी जीती हुई विनिंग सीट अपने नाम से करने के लिए मजबूर किया और उस सीट पर चुनाव लड़कर के जो हारे हैं उसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार की अस्वीकारता ही है बाकी वोटों को ट्रांसफ़र कराने में तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल और बाकी सब सफल हुए लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई भी अब नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहता या वोट देना नहीं चाहता है इससे महागठबंधन को ज़बरदस्त घाटा हो रहा है और राष्ट्रीय जनता दल को भी इसका दंश झेलना पड़ रहा है आपको बताएं कि अनिल सहनी ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान अपनी बातें रखी और उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव होकर के नीतीश कुमार को अक्षम मुख्यमंत्री बताया उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आखिर क्यों राष्ट्रीय जनता दल की जीती हुई सीट अपने लिया और लिया तो इसके पीछे की रणनीति और कारण उनको बताना चाहिए और चुनाव हारने की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं इन सारी बातों को लेकर के अनिल सहनी ने बहुत ही कड़े शब्दों में नीतीश कुमार से कुर्सी छोड़ने की अपील की है और इसके बाद अब चर्चा भी शुरू हो गई है हमने आपको पहले ही बताया था कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में पूरी तरह से समर्पित हो के लगातार अपने उम्मीदवार जो हैं जदयू के और महागठबंधन के उनके लिए प्रचार किया था यहाँ तक कि उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला था लेकिन ये सब कुछ कहा जा रहा है कि काम नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई अनिल सानी का कहना यह है कि इसके पीछे नीतीश कुमार की अक्षमता और उनका नेतृत्व है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब बिहार की जनता के लिए ए, मुश्किल बनते जा रहे हैं और बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव को देखना चाहती है अपने नेता और मुख्यमंत्री के रूप में अगर नीतीश कुमार ने जल्दी ही फैसला नहीं लिया और तेजस्वी यादव के हाथों में सत्ता नहीं सौंपी तो आगे महागठबंधन को और मुश्किलें होंगी इसी बात को लेकर के आपने देखा कि कुछ दिन ही पहले ही जिस तरह से महागठबंधन के और साथी कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं वहीं जीतन राम मांझी ने भी खड़ा किया है और साथ में आए उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के थिंक टैंक के जो लोग हैं यानी कि सीधे तौर पे ललन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि अपनी नीतियाँ नहीं बल्कि नीतियाँ जो हैं वो जनता के हिसाब से बननी चाहिए और ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये मांग उठना कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव को सौंपें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे महागठबंधन में और ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आने वाली है अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखें तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे एगो घंटी बार बटन दबा दिला से कुल सटीक और मारक खबर वह मुफ्त में मिल जाए अगर पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी त तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली नाइन थ्री एट सिक्स